बीते कुछ समय से कोरोना महामारी थम सी गई थी। दिन ब दिन केसेस लगातार कम होते जा रहे थे, लेकिन ध्यान रहे कि कोरोना महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में कोहराम मचाने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने कई नए सब वेरिएंट के साथ लौट कर आ गया है और तेजी से फैल भी रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब डेल्टा के साथ भी जुड़ गया है और एक अलग कॉम्बिनेशन बनाकर लोगों पर हमला बोल रहा है। फिलहाल सबसे बुरे हालात ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के कारण बने हुए हैं, क्योंकि इसमें तेजी से फैलने की क्षमता है। इधर ओमिक्रॉन और डेल्टा कॉम्बिनेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। ये देखते हुए तमाम एक्सपर्ट्स कोरोना की चौथी वेव की आशंका कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को डेल्टा क्रॉन का नाम दिया गया है। यह हाइब्रिड स्ट्रेन साउथ कोरिया सहित कई देशों में नए मामले बढ़ने और मृत्यु दर को बढ़ाने की वजह बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है यह हाइब्रिड स्ट्रेन, साथ ही इसके लक्षण के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या यह कोरोना की चौथी लहर का कारण बन सकता है। दरअसल में हाइब्रिड स्ट्रेन कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ने से तैयार हुआ है। इसके कुछ मामले इसी साल जनवरी में मिले थे। बताया यह जा रहा है कि यह लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से पैदा हुआ। फिलहाल यह कॉम्बिनेशन खतरे की घंटी बन गया है और तेजी से फैल रहा है। इस कॉम्बिनेशन के लक्षण वैसे ही हैं जैसे अब तक इस महामारी में नजर आए हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और इसके सामान्य लक्षणों पर जानकारी दे रहे हैं। इसके सामान्य लक्षण सिर दर्द, तेज बुखार और बाद में पसीना या ठंड लगना, गले में खराश होना, लगातार खांसी होना, बेवजह थकान या कमजोरी महसूस करना, स्वाद और गंध की कमी महसूस करना आदि बताए जा रहे हैं। अगर आपको तेज बुखार है जो कि छाती या पीठ को छूने से महसूस हो रहा है, एक नई तरह की खांसी जो एक घंटे से अधिक समय तक रहती है और गंध या स्वाद की कमी महसूस होना आदि को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। पूरी दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात साउथ कोरिया में बने हुए हैं, जहां रोजाना करीब 5 लाख के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि नए मामलों की बढ़ने के कारण ओमिक्रॉन BA.2 को माना जा रहा है, लेकिन डेल्टा और ओमिक्रॉन का कॉम्बिनेशन भी पीछे नहीं है। इसकी वजह से भी कई देशों में मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।